सरिता के कोचिलनुआगाँव और मैं भी इस गांव की लड़की हूँ। जहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, ये सब मजदूरी या खेती बाड़ी करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं है, इस कारण से यहाँ की महिलाओं को अपने मर्दों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इस कारण से उनका जीवन बहुत ही दुखदायक था। ऐसे स्थिति में हमारे गांव की कुछ महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाए, जिसमें महीने में वो लोग कुछ कुछ पैसे सेव किए और उसी पैसे से वो एक फसल काटने के बाद निकालने का मशीन भी लाए, एक गार्डन भी, फल का गार्डन भी बनाए। इसी तरह से उनका इनकम शुरू किए। आपण आगुरु यही संचय समिति करिया पूर्वरु आपण कौन सब असुविधा होतला? असुविधा होतला कौन भार टंका पैसा आनु आउ सुध दउ 5 टंकिया सुध आउ एठी हमर पोसी तीन कोला दिन तु 3 टंकिया सुध रे टंका नउ 20,000 25,000 10,000 5,000 जेते बळे जा हाउ कौन सब संचय समिति रु आपण उपकार पाई परचोंती? देपा जे करुछ नेगी आउ गोटे फळ बगीचा करिचु आउ गोटे मशीन आनीचु आउ रूपरे आनीचु धान कचड़ा वाड़िया मशीन आनीचु आउ दुकान गोटाए देचु नेकि पैसा आउ घर करिचु नेकि आउ जमी किनिया तेणु आम 1991 मसीह संचय समिति टी आरंभ करने द्वारा आमर एबे महिला माने स्वाधीनता हेलेनी स्वाधीन हेलेनी जेते बेले कोनोसी पैसा किछ कार्य रे दरकार पड़ुछि संचय समिति रु दरखास्त खंडे देई ऋण नै पारुछंती। एमिति कि लक्षाधिक टंका मध्ये ऋण नै नौछंती पिल्ला मानकु पाठ पढ़ाइबा कृषि काम रे विनियोग करिबा व्यवसाय करिबा ए सब कार्य करी एबे स्त्री लोक माने आत्मनिर्भरशील हेलेनी। प्रतिमास बैंक जाऊ टा नहीं जाऊ डिपोजिट करूचु पी जा उठे दरकार पड़े आणुचु पी स्कूल घर गोटाए करू ता पचर रास्ता कम भी करपर जा तल साई रे पाइखाना घर हरिका है से संचय समिति पैसा आप लोगों ने जैसे देखा कि कोचिलनुआगाँव के महिलाएं इस तरह से अपने खुद का इनकम का साधन निकाल सके और खुद के पैरों में खुद खड़े हो सके। और मैं भी इस गांव की लड़की हूं और मैं सारी दुनिया के महिलाओं को यही बताना चाहूंगी कि आप भी आगे आइए, इसी तरह से कुछ इनकम का साधन निकालिए, खुद के आत्मसम्मान बढ़ाने के साथ ही खुद के पैरों में खुद खड़े होने की कोशिश कीजिए। इंडिया अनहर्ड के लिए ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट के कोचिलनुआगाँव से मैं सरिता विश्वास।